आदाब हैदराबाद। समाज दर्पण सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली जश्न मनाया गया, जिसके तहत एक मुजाहिया मुशायरा रविंद्र भारती में मुनाकिद किया गया, जिसमें मुल्क भर से तशरीफ लाए उर्दू और हिंदी के नामवर शोरा ने कौमी यकजहती और तंज व मिजाह पर अपना कलाम पेश किया, जहां सामईन की कसीर तदाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब शुजात अली साबिक जॉइंट डायरेक्टर दूरदर्शन ने अंजाम दी। नाजरीन पेश खिदमत है मुशायरे पर एक रिपोर्ट। पीता हूं बयालों से जी। तो चढ़ती ही नहीं है वाह वाह। एक बार निगाहों से पिलाने क्या के बात लिए है जी भाई। वाह वाह। एक उम्र से तारीख मेरे दिल की नगरिया। एक उम्र से तारीख जी। एक उम्र से तारीख मेरे दिल की नगरिया। तू प्यार की कंदील जलाने के लिए आ। तू प्यार की कंदील जलाने के लिए आ। है खेल नहीं इश्को मोहब्बत से गुजरना। है खेल नहीं इश्को मोहब्बत से गुजरना। लोहे के चने मिल के चबाने के लिए। अरे वाह वाह वाह। है खेल नहीं इश्को मोहब्बत से गुजरना। वाह वाह। लोहे के चने मिल के चबाने के लिए आ। एक हैदराबादी जो है रजीफ है, हैदराबादी लोग, हमको ये एजाज हासिल है कि दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, मुंह खोलते ही पहचाने जाते हैं हैदराबाद का। अब नहीं मालूम हो रहा है। हाँ, नको हो कैकू, ये सारे ऐसे कलिमात हैं कि फौरी हैदराबादी अच्छा लगती है। तो मैंने नक्को की रदीफ बांधी है, शेर हाजिर करता हूँ। ये पकवान खाने मजेदार नको। हाँ? ये पकवान खाने मजेदार नको। अच्छा। ये घी के वगैरह का संसार नको। ये पकवान खाने मजेदार नको। ये घी के बगारा का संसार नको। तुम्हारी मोहब्बत का आजार नको। ये कागज के फूलों का गुलजार नको। अरे वाह वाह। कभी हमसे वादा करो तो निभाओ। ये झपझप की जाली का व्यवहार नको। सर पे वो मार मार के टकला करी मुझे जी। सर पे वो मार मार के टकला करी मुझे। चिपका के मेरी नाक भी नकटा करी मुझे। चिपका के मेरी नाक भी नकटा करी मुझे। अब क्या बताऊँ आपको क्या क्या करी मुझे। अब क्या बताऊँ आपको क्या क्या करी मुझे। उसकी ही कान भैरी ने भैरा करी मुझे। अरे वाह वाह। उसकी ही कान भैरी ने दरियाफ्त भैरा से आप पहले दरियाफ्त करना। अच्छा जी, शुक्रिया। वाह वाह। कोई अच्छे खानदान में रिश्ता नहीं हुआ आपका जी। बदल के चंद जी समाप्त फरमाइए जी। के अपने लिए तू जब कभी दिलवर तलाश कर। अपने लिए तू जब कभी दिलबर तलाश कर। ससुरे को तू जो अपने लिए तू जब कभी दिलबर तलाश कर। ससुरे को तू जरूर तवंगर तलाश कर। ससुरे को तू जरूर तवंगर तलाश कर। बेटी ने अपनी माँ से कहा वर तलाश कर। बेटी ने अपनी माँ से कहा वर तलाश कर। नौकर रहे जो बन के वो शौहर तलाश कर। वाह। नौकर रहे जो बन के वो ये शौहर तलाश कर। ये शेर देखिएगा। चकले अगर लगाना है अपनी दुकान को। चकले अगर लगाना है अपनी दुकान को। सट्टे के नंबरों में मुखद्दर तलाश कर। सट्टे के नंबरों में मुखद्दर तलाश कर। ये शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि झुक जाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर। झुक जाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर। खोई हुई जवानी को झुकर तलाश कर। खोई हुई जवानी को झुकर तलाश कर। खोई हुई जवानी को झुकर तलाश कर। काम लेने का जरा उनका सलीका देखो। पानी भरने के लिए फूटा
घड़ा रखते हैं। क्या बात है, पानी भरने के लिए फूटा घड़ा रखते हैं। शुक्रिया। अशआर मेरे यूं तो हंसाने के लिए हैं। अशआर अशआर मेरे यूं तो हंसाने के लिए हैं, कुछ शेर मगर रब को मनाने के लिए हैं। क्या कहने साहब, अशआर मेरे यूं तो हंसाने के लिए हैं, कुछ शेर मगर रब को मनाने के लिए हैं। मुमकिन नहीं है शेर पे तुम दाद मुझे दो, मुमकिन नहीं है शेर पे तुम दाद मुझे दो, कुछ शेर मगर ताली बजाने के लिए हैं। कुछ शेर मगर ताली बजाने के लिए हैं। क्या अच्छा मौका निकाल लिया आपने साहब। और हजरत ग्रामी जैसा कि ऐलान किया गया कि कौमी यकजहती का मुशायरा है, इस पसमंजर में तीन कौमी यकजहती पर खताब पेश कर रहा हूँ। देखिए कि है बहुत प्यारा ये भारत दोस्तों, है बहुत प्यारा ये भारत दोस्तों, मत करो तुम इसको गारत दोस्तों। क्या बात है, बहुत प्यारा ये भारत दोस्तों। क्या कहने सर, है बहुत प्यारा ये भारत दोस्तों, मत करो तुम इसको गारत दोस्तों। आओ मिलजुल कर संवारें इसको हम, आओ आओ मिलजुल कर संवारें इसको हम, वरना सब होगा अकारत दोस्तों। वरना सब होगा अकारत दोस्तों। और देखिए कि हम यहाँ मिलकर जिएंगे देखना, हम दिलेर भाई इंसान हम यहाँ मिलकर जिएंगे देखना, हम यहाँ मिलकर जिएंगे देखना, देश की रक्षा करेंगे देखना देखना, हम यहाँ मिलकर जिएंगे देखना, देश की रक्षा करेंगे देखना। लाख तुम सर को पटख लो रावणों, लाख तुम सर को पटख लो रावणों, हम तुम्हें सीता ना देंगे देखना। अरे वाह वाह, हम तुम्हें सीता ना देंगे। वाह वाह, हम यहाँ मिलकर जिएंगे देखना, देश की रक्षा करेंगे देखना। लाख तुम सर को पटख लो रावणों, हम तुम्हें सीता ना देंगे देखना, हम तुम्हें सीता ना देंगे देखना। और देखिए क्या, बात करना ना कोई भी अपमान की, बात करना ना कोई भी अपमान की, ये तो आदत है कमबख्त शैतान की। बात करना ना कोई भी अपमान की, क्या बात, ये तो आदत है कमबख्त शैतान की। बेईमानी का शोर, बेईमानी का है शोर हर जा शहर, बेईमानी का है शोर हर जा शहर, तुम हिफाजत करो अपने ईमान की। अरे वाह वाह, तुम हिफाजत करो अपने अपने ईमान की। चाहे जितना भी सताए वो तुझे, चाहे जितना भी सताए वो तुझे, अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले। वाह, चाहे जितना भी सताए वो तुझे, अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले। अगर जलाए सास तुझको ऐ बहू, अगर जलाए सास तुझको ऐ बहू, जलते जलते तू भी उसको थाम ले। अरे वाह वाह, क्या मशवरा है। जितना भी सताए वो तुझे, वाह वाह वाह, चाहे जितना भी सताए वो तुझे, अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले। घर जलाए सास तुझको ऐ बहू, जलते जलते तू भी उसको थाम ले, जलते जलते तू भी उसको थाम ले। और एक दो मिजाजिया खतर बर्दाश्त कर लीजिए कि मेरी काश उनसे सगाई ना होती, मेरी काश उनसे सगाई ना होती, ये हर रोज घर में लड़ाई ना होती। मेरी काश उनसे सगाई ना होती, यह रोज घर में लड़ाई ना होती। मुझे इडियट अब वो कहने लगे हैं अंग्रेजी, मुझे इडियट अब वो कहने लगे हैं, उन्हें काश इंग्लिश सिखाई ना होती। एक तवील अरसा जिद्दा में क़याम के बाद फिर हजरत से मेरी मुलाकात जिद्दा में हुई थी, बज़्म इत्तेहाद के मुशायरे में, और फिर यहाँ पर हो रही है। मैं बेलन निज़ामाबादी से 10 बस्ता दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। क्या खूब तहनियत का मेरी इंतज़ाम है, क्या खूब तहनियत का मेरी इंतज़ाम है, इंतज़ाम है इंतज़ाम है, है शाल मेरी फूल मेरी इनका नाम है। अरे वाह अरे वाह 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 वाह, है शाल मेरी फूल मेरे इनका नाम है, तारीख साज होगा यकीनन मुशायरा, तारीख साज होगा यकीनन मुशायरा, शोरा की लिश्क में मियां बेलन का नाम है। वाह 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 वाह,
बहुत शरीफाना तरीके से, बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख साज हो गए यकीनन मुशायरा, शूरा की लिस्ट में मियां बेलन का नाम है। बेगम सुरूर पहली मुलाकात में रहा, मुलाकात में रहा, पछतावा उसके बाद हर एक बात में रहा, पछतावा उसके बाद हर एक बात में रहा। होती है कुछ तो कम किसी खातिल की भी सजा, होती है कुछ तो कम किसी खातिल की भी। मेरी हार वो कुछ ऐसे होते ही मेरी हार कुछ ऐसे मुकर गए, ऐसे मुकर गए, ऐसे मुकर गए। चमचे जो मेरे साथ थे जाने किधर गए, चमचे जो मेरे साथ थे जाने किधर गए। और ये शेर शायद हैदराबाद के सामने को बहुत पसंद आएगा। छत पर जो चांद देखने आई थी ईद का, आई थी ईद का, छत पर जो चांद देखने आई थी ईद का, आई थी ईद का, आई थी ईद का, उस चांद बी के हुस्न पे मौलाना मर गए, उस चांद बी के हुस्न पे मौलाना मर गए। तो एक बार मैं और वहीद भाई एक पागल खाने चले गए कवि सम्मेलन में, तो वहीद भाई का नंबर आया, तो वो जब पढ़ रहे थे तो एक पागल वार्डन के कान में कुछ कह रहा था। तो वहीद भाई ने कहा भट्टर जाओ यार उनसे पूछो कि वो पागल आपके वार्डन के कान में क्या कह रहा है, ज़रूर मेरी तारीफ कर रहा होगा। तो मैं गया, बोला ये पागल आपके कान में क्या कह रहा है? अरे वो ये कह रहा है कि ऐसे ऐसों को तो खुला छोड़ रखा है, हमको पकड़ रखा है। क्या बात है सर, वाह वाह, बहुत अच्छे कैलाश जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जियो जियो बेटे, तालियों की गूंज से एक बार फिर इनका स्वागत है। बहुत अच्छे बेटा, वाह वाह। मैं तालियों के लिए एक बार भी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है अगर माल ओरिजिनल होगा तो तालियां अपने आप बजेगी। अरे वाह, इसका मतलब एक बार और। कवियों की महफिल में आओ, कवियों की महफिल में आओ, किसने बोला था? हाँ, कवियों की महफिल में आओ, कवियों की महफिल में आओ, किसने बोला था? आए भी तो गजल सुनाओ, किसने बोला था? कवियों की महफिल में आओ, किसने बोला था? आए भी तो गजल सुनाओ, किसने बोला था? स्वयं हो गए गंजे तुम अपनी करनी से, स्वयं हो गए गंजे तुम अपनी करनी से, बीवी को सर पर बिठलाओ, किसने बोला था? वाह वाह वाह, स्वयं हो गए गंजे तुम अपनी करनी से, बीवी को सर पर बिठलाओ, किसने बोला, किसने बोला था? एहतियात करना बहुत, ये आपकी नजर कर रहा हूँ। अरे वाह वाह जी बेटा, वाह वाह, सुनिए मुझे, देखिए इनको। झाड़ू बेलन चिमटे, झाड़ू बेलन चिमटे से हो गई पिटाई, अच्छा, झाड़ू बेलन चिमटे से हो गई पिटाई, दारू पीकर घर को जाओ, किसने बोला था, किसने बोला था? वाह वाह, फूल फैल के टेढ़े मेढ़े गेंडे हो गए, वाह, फूल फैल के टेढ़े मेढ़े गेंडे हो गए, बर्गर पास्ता पिज्जा खाओ, वाह वाह, किसने बोला था? क्या कहें, फूल फैल के टेढ़े मेढ़े गेंडे हो गए, वाह, बर्गर पास्ता पिज्जा खाओ, वाह,
किसने बोला था? क्या देखिए, इस शेर में एक अलग ढंग से बात कहने की कोशिश की है, अगर आप पढ़ा पकड़ लेंगे तो आनंद आ जाएगा। स्वागत। एक साथ में रहकर भी तो लड़ सकते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक साथ में रहकर भी तो लड़ सकते थे, आंगन में दीवार उठाओ। किसने? अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, बल्कि मुकर्रर सर, मुकर्रर सर, वाह वाह, एक साथ भी, वाह वाह, एक साथ में रहकर भी तो लड़ सकते थे। क्या बात, क्या बात? आंगन में दीवार उठाओ। किसने, किसने बोला था? वाह वाह, खाना था तो लड्डू पेड़ा बर्फी खाते। वाह, खाना था तो लड्डू पेड़ा बर्फी खाते, सामयिक का भेजा खाओ। किसने बोला था? एक गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि खौफ से कांपने लग जाएं जमाने वाले, खौफ से कांपने लग जाएं जमाने वाले, अपने मेकअप को जो धो ले ये जनाने वाले। खौफ से कांपने लग जाएं जमाने वाले, अपने मेकअप को जो धो ले ये जनाने वाले। खुशने मतलब देखिएगा के मुरमुरे वाले चने वाले बटाने वाले, मुरमुरे वाले चने वाले बटाने वाले, आए महफिल में गला फाड़ के गाने वाले। अरे आए महफिल में गला फाड़ के गाने वाले। शेर समाज कीजिएगा के गमजदा लोग हमें देख के कहते हैं वहीद, गमजदा लोग हमें देख के कहते हैं वहीद, आ गए वो देखो हंसाने वाले, आ गए वो देखो हंसाने वाले। तालियां, शुक्रिया बहुत बहुत। जी बिल्कुल, मतलब गजल का पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इधर देखते हैं इधर देखते हैं उधर देखते हैं, खुदा जाने तिरुपति किधर देखते हैं, खुदा जाने तिरुपति किधर देखते हैं, इधर देखते हैं। शेर समाप्त कीजिएगा। मिली जिनको बेगम बहुत खूबसूरत, मिली जिनको बेगम, मिली जिनको बेगम बहुत खूबसूरत, पड़ोसन की जानिब मगर देखते हैं, पड़ोसन की जानिब मगर देखते हैं, इधर देखते हैं। चिकन हमको मुर्शद ने भेजा जहाँ से, चिकन हमको मुर्शद ने भेजा जहाँ से, वहाँ अपने मुर्गे के पर देखते हैं, वहाँ अपने मुर्गे के पर देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, खुदा जाने तिरुपति। आखिरी शेर गजल का समाप्त कीजिएगा। मुखातिब करें जब भी जलसे में वाइज, मुखातिब करें जब भी जलसे में वाइज, जनाना जिधर है उधर देखते हैं, जनाना जिधर है उधर देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं। नहीं होती है जब पहले निशाना चार होता है, मगर होते ही पहले आदमी बेजार होता है। है ऐसा हाल क्यों पूछा तो काजी ने कहा मुझसे, मियाँ ये शादियों का मरहला दुश्वार होता है। अगर है चार की ख्वाहिश मिटा दे अपनी हस्ती को। वाह 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 वाह, मैं समझ रहा हूँ। अगर है चार की ख्वाहिश मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, मिट्टी में मिला दिया। दाना खाक में मिलकर
गुजार होता है जिसको बेगम पे जिया रोब जमाना आया, जिसको बेगम पे जिया रोब जमाना आया, समझो खारून का हाथ उसके खजाना आया। जिसको बेगम पे जिया रोब जमाना आया, समझो खारून का हाथ उसके खजाना आया। और नए मॉडल की मिली कार नया बंगला मिला, नए मॉडल की मिली कार नया बंगला मिला, जो नया होना था मॉडल वो पुराना आया, जो नया होना था मॉडल वो पुराना आया। और कहा बेगम ने एक दिन लाड़ से, सुनिए जिया पाशा, कहा कहा बेगम ने एक दिन लाड़ से, सुनिए जिया पाशा, समझती मैं थी जितना उससे भी कंजूस तुम निकले। और इधर महंगाई ज्यादा और उधर बेगम की चिट्ठी में हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और लुटा दूं माल सारा जान दे दूं फिर भी बोलेगी, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और एक चार मिसरे के शादी के लिए झट से जो तैयार हो गया, शादी के लिए झट से जो तैयार हो गया, लगता है जिंदगी से वो बेजार हो गया। और खुशबूए जुल्फे यार की क्या ताब लाएगा, सहरे के फूल सूंघ के बीमार हो गया, सहरे के फूल सूंघ के बीमार हो गया। और खुशबूए जुल्फे यार की क्या ताब लाएगा, और सहरे के फूल सूंघ के बीमार हो गया। और एक तस्वीर सुने के आए आवाज जो बेगम की, अटेंशन हो जा, आए आवाज जो बेगम की, अटेंशन हो जा, हाथ में उसके है बेलन या है कसगीर न देख, और शादी करने की खता की है तो फिर मार भी खा, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। और टिमटिमाते जो दिए थे फुल जिया देने लगे, टिमटिमाते टिमटिमाते जो दिए थे फुल जिया देने लगे, जाहिलां दानिश्वरों को मशवरा देने लगे। अरे वाह, अरे वाह, टिमटिमाते जो दिए थे फुल जिया देने लगे, जाहिलां दानिश्वरों को मशवरा देने लगे। और एक वजीफा याब डौरी केस में जब फंस गए, जिन पे तकिया था वही पुट्टे हवा देने लगे, जिन पे तकिया था वही पुट्टे हवा देने लगे, जिन पे तकिया था वही पुट्टे हवा देने लगे। और जब से पेंशन हुआ कर लेता हूँ घर के सब काम जी, जब से पेंशन हुआ कर लेता हूँ घर के सब काम, बच्चे सर्वेंट का खर्चा नहीं होने देते, बच्चे सर्वेंट का खर्चा नहीं होने देते। और वॉचमैन नाइट का हूँ आज भी अपने घर का, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। क्या कहने जिया साहब, मेरे बच्चे, जब से पेंशन हुआ कर लेता हूँ घर के सब काम, बच्चे सर्वेंट का खर्चा नहीं होने देते। और वॉचमैन नाइट का हूँ आज भी अपने घर का, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और जिसके दामाद बने उसको ही कंगाल किया जी, जिसके दामाद बने उसको ही कंगाल किया, नक्श ससुराल में कुछ ऐसे हैं छोड़े हमने, जिसके दामाद बने उसको ही कंगाल किया, नक्श ससुराल में कुछ ऐसे हैं छोड़े हमने। और जब उठा घूंघटे दुल्हन तो ये मालूम हुआ, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब उठा घूंघटे दुल्हन तो ये मालूम हुआ, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और सारा दिन आज वो शॉपिंग में गुजार आई है, सारा दिन आज वो शॉपिंग में गुजार आई है, ब्यूटी पार्लर से बहुत खुद को संवार आई है। और घर को दफ्तर से जो लौटे तो ये मालूम हुआ, हम भी आबा में हैं और घर में बाहर आई है, हम भी आबा में हैं और घर में बाहर आई है। घर को दफ्तर से जो लौटे तो ये मालूम हुआ, हम भी आबा में हैं और घर में बाहर आई है, हम भी आबा में हैं और घर में बाहर आई है। गजल सुने दक्षिण रदीफ में जी, के कब मीठा कब खट्टा खाना ये मालूम ना वो मालूम, कब मीठा कब खट्टा खाना ये मालूम ना वो मालूम, उन भी दीवानी इन भी दीवाना ये मालूम ना वो मालूम।
कब मीठा कब खट्टा खाना ये मालूम ना हो मालूम, उन भी दीवानी इन भी दीवाना ये मालूम ना हो मालूम, और चांद को जाके महल बना दूं, कल से जिद कर रहा पोटा। क्या बदमाशी की, चांद को जाको महल बना दूं, कल से जिद कर रहा पोटा, रेल से है कि बस से जाना ये मालूम ना हो मालूम। क्या कहने दिया साहब, रेल से है कि बस से जाना ये मालूम ना हो मालूम, और इन भी नेता उन भी नेता, गांव का हर आदमी नेता, वाह वाह, इन भी नेता उन भी नेता, गांव का हर आदमी नेता, क्या नहीं खाना क्या खा जाना ये मालूम ना हो मालूम, इन भी नेता उन भी नेता, गांव का हर आदमी नेता, क्या नहीं खाना क्या खा जाना ये मालूम ना वो मालूम, और पेंशन होते झोलिया बदल को खुद को समझ रहे मौलाना। अरे वाह, पेंशन होते झोलिया बदल को खुद को समझ रहे मौलाना, तस्बी टोपी कुर्ता पैजामा ये मालूम ना वो मालूम। साहब मुकर्रर साहब, क्या बात है सर, जिया साहब, वाह वाह वाह। पेंशन होते झुलिया बदल को खुद को समझ रही मौलाना, तस्बी टोपी कुर्ता पजामा ये मालूम ना हो मालूम। और एक शेर आप सबके हवाले कर रहा हूँ, आप इसको अपने साथ ले जाइए कि सदर साहब के, हाथा खाली तोशा खाली अमल का खाना भी खाली, हाथा खाली तोशा खाली अमल का खाना भी खाली, ऐसा कैसा सफर को जाना। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, मुकर्रर साहब, हाथा खाली, क्या बात है, हाथा खाली तोशा खाली अमल का खाना भी खाली, ऐसा कैसा सफर को जाना, क्या बात है ये मालूम ना वो मालूम। और जिया मियां जनरल नॉलेज में तुम जीरो के जीरो हो, क्या बात है जिया मियां जनरल नॉलेज में तुम जीरो के जीरो हो, गाते फिर रहे ये किस गाना ये मालूम ना वो मालूम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज। उर्दू के मुशायरे, मैं हिंदी का कवि हूँ मगर उर्दू के उस मुशायरे मुझे ज़्यादा बोला जाता है, तो चार पंक्तियाँ मैं उर्दू के ऊपर देकर फिर मेरे आप औकात पे आऊँगा। यूँ तो सभी भाषाएँ महान है, यूँ तो सभी भाषाएँ महान है मगर सबसे प्यारी मेरी उर्दू जुबान है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। यूँ तो सभी भाषाएँ महान है, सबसे प्यारी मेरी उर्दू जुबान है, फूलों की महक हसीनाओं की लचक है इसमें मिश्री की मिठास। वाह, वो क्या बोले, हसीनाओं की महक, हाँ हसीनाओं की लचक, देख के तबीयत खराब है, है इसमें मिश्री की मिठास, ये मेरा अपना नहीं कहीं ज्ञानेश्वरों का बयान है, सबसे प्यारी मेरी उर्दू जुबान है। क्या कहने, क्या कहने, वाह। मेरी महबूबा चांद का टुकड़ा है जी, मेरी महबूबा चांद का टुकड़ा है, आप क्यों खुश हो रहे, मेरी महबूबा चांद का टुकड़ा है, वो मुझको नहीं चाहती यही मेरा दुखड़ा है, उसकी पसंद है सलमान और शाहरुख, कही गई मेरा ओमपुरी जैसा मुखड़ा है। और आजकल के नौजवान अपनी महबूबा को प्यार का इजहार कैसा कर रहे, देखिए जी, कि दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, अच्छा दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, वाह। और खुदा करे अपनी मोहब्बत इतनी गहरी हो कि नौकरी तू करे और पगार मेरी हो। क्या देखिए के साथ, एक 16 साल के लड़की ने एक 80 बरस के बूढ़े से शादी कर ली, एक 16 साल के लड़की ने एक 80 बरस के बूढ़े से शादी कर ली, मानो अपनी बर्बादी कर ली जी। मैंने उस लड़की से कहा कि तू इस बुड्ढे में क्या देखा जो बनाया उसे अपना बलम, वो मुस्कुरा कर बोली, दिलेर साहब एक तो उसकी इनकम और दूसरे उसके दिन कम। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। और दोस्तों, और एक पिक्चर आई थी बहुत पुरानी, बहुत दिन हो गए, कि नुवे कावाली बोल के तेलुगु पिक्चर जी, तो उस पर मैंने उर्दू और तेलुगु को कैसा मिलाया, देखिए कि हर नौजवान लड़का अमीर लड़की से कहता है कि नुवे कावाली, हर नौजवान लड़का अमीर लड़की से कहता है कि नुवे कावाली, गरीब और बेबस लड़की हमारी अटूपो वाली, हर नौजवान लड़का अमीर लड़की से कहता है कि नुवे कावाली, गरीब और बेबस लड़की हमारी अटूपो वाली, और हर दूल्हा हुआ अगर दहेज का सवाली
तो कैसे उठेगी हमारी बहन और बेटियों की टोली। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है सर। और सबसे आखिर में मैं हमारे सभी शहरों के तरफ से, समाज दर्पण के तरफ से एक बात की गारंटी आपको देता हूँ कि आज़ादी की कभी हम शाम नहीं होने देंगे। आज़ादी की कभी हम शाम नहीं होने देंगे। शहीदों को कभी हम बदनाम नहीं होने देंगे। क्या बात है। आज़ादी की कभी हम शाम नहीं होने देंगे। शहीदों को कभी हम बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक लहू है जिस्म में हमारे, इस वतन को हम नीलाम नहीं होने देंगे। अरे वाह 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 वाह। वाकई कमलाकर दिलेर साहब ने जो समाज दर्पण का असल मकसद है, कौमी एकजहती, उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने पेश किया। हम उनके बहुत आभारी हैं। अर्ज करता हूँ ये दो मिसरे इस बात के बतौर खास मुलाकात फरमाएं कि इस मुल्क की मिट्टी में हम सब के पसीने हैं, हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। भारत की अंगूठी, क्या कहने का। वाह 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 शायद साहब, वाह बड़ी नवाजिश, बहुत बड़ी इनायत जी। बहुत मोहब्बतों से सुना आपने जी। हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, क्या कहें, भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। एक चार मिसरे इसी अंदाज के चार मिसरे और मुलाजा फरमाए। आओ कुछ ऐसी खुशबू धूम मच जाए जमाने में हमारी हर सू, धूम मच जाए हमारी जमाने में हर सू, चोट हिंदू को लगे तो तड़प उठे मुस्लिम, और चोट मुस्लिम को लगे तो तड़प उठे हिंदू, चोट मुस्लिम को लगे तो तड़प उठे। भाई वाह भाई वाह, बहुत बहुत भाई वाह वाह वाह। कैसे हमारे दौर के अतवार हो गए, कैसे कैसे हमारे दौर के अतबार हो गए, और समझे थे जिनको अपना वो अग्यार हो गए, समझे थे जिनको अपना वो अग्यार हो गए। ये मुलाजा फरमा बतौर खास के वालिद की जिंदगी में तो रहते थे दूर दूर। मुलाजा फरमाए वालिद की जिंदगी में तो रहते थे दूर दूर, अब मरते ही जायदाद के हकदार हो गए। अरे वाह वाह वाह, मरते ही जायदाद, वाह वाह, अलमिया है साहब, आज का अलमिया, वाह वाह, क्या नजर है साहब, वाह वाह। कि एक मतला दो शेर मुलाजा फरमाए इनायत, कि आजकल जो फैशन है हमारे नौजवान बच्चों का, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन शेव, बाल लंबे, कान में बाली, नाक में बाली, हाथ में कड़ा, तो इस पस मंजर में मतला कहने की कोशिश की है। बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि तेरे फैशन से हाज़र शरीफ भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर तलत रहमान साहब भी बैठे हैं, कि अर्ज करता हूँ कि तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है। वाकई बहुत मुश्किल, तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है, कि जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, और मुस्कुराते हुए चेहरे पे जवाल आता है। वाह क्या तजुर्बा है साहब, वाह क्या, वाह वाह। जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, मुस्कुराते हुए चेहरे पे जवाल आता है। और ये शेर बतौर खास अर्ज करना चाह रहा था मैं आपको कि बाद शादी के अलग हो गए दोनों बेटे। मुलाजा फरमाएं के बाद शादी के अलग हो गए दोनों बेटे, ना जमाल आता है मिलने ना कमाल आता है। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह वाह। बाद शादी के अलग हो गए दोनों बेटे, वाह वाह, ना जमाल आता है मिलने ना कमाल आता है। क्या कहने से, क्या कहने, ना जमाल आता है मिलने ना कमाल आता है,
और इसका मख्ता संजीदगी से मुलाहिज़ा फरमा लें कि देख कर यूं न हंसो मेरे टिफिन को शाहिद, नसरुल्लाह साहब देख कर यूं न हंसो मेरे टिफिन को शाहिद, बड़ी मुश्किल से मियां रिस्क हलाल आता है। अरे वाह 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 भाई वाह, क्या कहने साहब साहब, क्या साहब, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा शेर, वाह 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 वाह। देख कर यूं न हंसो मेरे टिफिन को शाहिद, बड़ी मुश्किल से मियां रिस्क हलाल आता है, बड़ी मुश्किल से मियां रिस्क हलाल आता है। जिन अहलिया के आंग पे आया तो था मगर, जिन अहलिया के आंग पे आया तो था मगर, घबरा के खुद ब खुद ही वो मफरूर हो गया। बढ़िया काफी बोल के रास निकालते भी हैं, लेकिन उसके साथ एक खौफ भी लगा हुआ रहता, कोई जासूस बैठा हुआ तो नहीं है। मफरूर हो गया। आज देखिए, एक जो सरकारी मुलाजमिन गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी एक आदमी की सुनाता हूँ साहब, चार मित्रे बतौर खास सुन लीजिए कि पहली तारीख का नक्शा मैं बता देता हूँ, आप बीती भी जरा अपनी सुना देता हूँ। पहली तारीख का नक्शा मैं बता देता हूँ, आप बीती भी जरा अपनी सुना देता हूँ, शेरनी मुझ पे ना झपटे कहीं उससे पहले, पूरी तनख्वाह शराफत से थमा देता हूँ। वाह वाह वाह, वो हमले से बचने का आसान तरीका। वाह वाह वाह, नहीं बहुत एहतियात से जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बड़ी नाइस, बड़ी नाइस। पढ़ी लिखी बेगम को डरना कते, मैं सब काम घर के भी करना कते, उन्हों जीन्स टी शर्ट पहनतन कते, मैं लुंगी लपट ले को फिरना कते। जनाब सिराज शोलापुर। उधर नफरत को फैलाने अगर बीमार बैठे हैं, मोहब्बत करने वाले भी इधर तैयार बैठे। अरे वाह वाह, क्या कहने सिराज, वाह 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 वाह। उधर नफरत को फैलाने अगर बीमार बैठे हैं, मोहब्बत करने वाले भी इधर तैयार बैठे हैं, वगरना चाहतों के दीप सारे बुझ गए होते, गनीमत है जो हम सूरत यहाँ दो चार बैठे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हजारों में नजर आता था वो बलवान था मैं भी, कुंवारी लड़कियों की जान था अरमान था मैं भी। हजारों में नजर आता था वो बलवान था मैं भी, कुंवारी लड़कियों की जान था अरमान था मैं भी, जो मेरी उम्र की बुढ़िया है उनसे पूछ लो जाकर, जवानी के दिनों में हूबहू सलमान था मैं भी। और आजकल के लड़के इश्क करते हैं तो फौरन इजहार भी कर देते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए। हमारे दौर में ये सारी सहूलतें नहीं थी तो हमको बहुत नुकसान उठाने पड़े। चार मिसरे देखिए के बहुत तकलीफ थी आपके जमाने में, बहुत फिरना पड़ता था। इजार करने में दो चार बरस और बीत जाते थे। सर मेरा उजला हुआ उनको भी चश्मा लग गया। अच्छा। वक्त के हाथों में हर एक शय पुरानी हो गई। हाँ। सर मेरा उजला हुआ उसको भी चश्मा लग गया। हाँ। वक्त के हाथों में हर एक शय पुरानी हो गई, इश्क के इजहार का मौका हमें मिलने तलक, मैं भी दादा हो गया और वो भी नानी हो गई। वाह, बहुत टाइम लिए साहब। अब यही मशवरा मैं नौजवान यहाँ जो आशिक मिजाज बैठे हैं उनके लिए कि हाय फकत घाटा मियाँ, इश्को सनम में कुछ भी नहीं। वाह। सही बता रहा हूँ, गेसुओं के पेचो खम में कुछ भी नहीं। वाह। हाय फकत घाटा मियाँ, इश्को सनम में कुछ भी नहीं। सही बता रहा हूँ, गेसुओं के पेचो खम में कुछ भी नहीं। प्यार के चक्कर में उसके चार दिन सपड़ा था मैं, चार दिन के बाद देखा एटीएम में कुछ भी नहीं। अरे वाह वाह। चार मिसरे आप देखिए। तालीम में सर अपना खपाने में रह गया, सोया हुआ नसीब जगाने में रह गया, जाहिल गवार आए कमा कर निकल गए, मैं डिग्रियां ही अपनी दिखाने में रह गया। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत मियारी। तालीम में सर अपना खपाने में रह गया,
सोया हुआ नसीब जगाने में रह गया, जाहिल गंवार आए कमा कर निकल गए, मैं डिग्रियां ही अपनी कम दिखाने में रह गया, और रात मुझसे कह रही थी मेरी बीवी तैश में, जिंदगी करनी अगर है आदमी बन जाइए। क्या रात मुझसे कह रही थी मेरी बीवी तैश में, जिंदगी करनी अगर है आदमी बन जाइए, छोड़िए गजलों का चक्कर इसमें कुछ रखा नहीं, ऐश में रहना है घर तो मौलवी बन जाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और चार में से देखिए कि जिस टॉपिक को खुद नहीं समझे उस टॉपिक को छेड़ो मत। क्या बात, पत्थर जैसा जम के रह जाओ, कीचड़ जैसा फैलो मत। क्या बात, जिस पानी का अंदाजा नहीं उसमें डूब को मर जाएंगे, तैरने को जब नहीं आता तो लोटे में भी झांको मत। तहजीब पुरानी खाम, आजकल देखिए कुत्ते पालने का शौक बड़ी बड़ी सोसाइटियों में है कि तहजीब पुरानी खाम हुई कुछ आज अजब ये कल्चर है, डॉगी के बिना अब साहब के हल्लक में निवाले नहीं जाते। तहजीब पुरानी खाम हुई कुछ आज अजब ये कल्चर है, डॉगी के बिना अब साहब के हल्लक में निवाले नहीं जाते। इंग्लिश में पले से लोगों की क्या बात करूं ये लोगों से, कुत्ते तो संभाले जाते हैं पर माँ बाप संभाले नहीं जाते। क्या बात है, क्या बात है, अरे क्या कहने का, वाह 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 वाह, माँ बाप संभाले नहीं जाते, वाह वाह वाह। तहजीब पुरानी खाम हुई कुछ आज अजब ये कल्चर है, डॉगी के बिना अब साहब के हल्लक में निवाले नहीं जाते। इंग्लिश में पले से लोगों की क्या बात करूं ये लोगों से, कुत्ते तो संभाले जाते पर माँ बाप संभाले नहीं जाते। और अपने हर निवाले को तर बनाए मौलाना, काम बहुत मुश्किल था पर बनाए मौलाना। अपने हर निवाले को तर बनाए मौलाना, काम बहुत मुश्किल था पर बनाए मौलाना, मेहनता हमें कर को अब भी है किराए पो, तावीजा पलीता पो घर बनाए मौलाना। अरे वाह वाह, अरे वाह 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 भाई वाह वाह वाह। अपने हर निवाले को तर बनाए मौलाना, काम बहुत मुश्किल था पर बनाए मौलाना, मेहनता हमें कर को अब भी है किराए पो, तावीजा पलीता पो घर बनाए मौलाना। और चार मिसरे, जब से उम्र बड़ी है कामा खिलाफ कर रही, हाँ जब से उम्र बड़ी है कामा खिलाफ कर रही, ब्यूटिशियन के घर का डेली तवाफ कर रही, समझो तो कैसा समझो, बोले तो नहीं समझ रही, चेहरे पर झुर्रा है तो आईने को साफ कर रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उम्र बड़ी है कामा खिलाफ कर रही, ब्यूटिशियन के घर का डेली तवाफ कर रही, समझो तो कैसा समझो, बोले तो नहीं समझ रही, चेहरे पर झुर्रा है तो आईने को साफ कर रही। और मुल्ला जी की जोरू रह को फैशन क्या और मेकअप क्या, मुल्ला जी की, मुल्ला जी की जोरू रह को फैशन क्या और मेकअप क्या, शौक है उसको फिल्मों का भी दीवानी का क्या होगा। मुल्ला जी तो मुंडी झुका को जन्नत में घुस जाएंगे, अपन मैशर के दिन अल्लाह जाने मुल्लानी का क्या होगा। आदाब हैदराबाद।